बहुत से लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करते हैं, है ना? आँख खोलकर क्या करना है ये तो आपको आता है, लेकिन आँख बंद करके सोने के अलावा कुछ नहीं आता है। सो जाओ, जब सोते हैं तभी आँख बंद होती है, इसके अलावा आँख बंद नहीं होती है। कान, नाक, मुंह, इन सब में सबसे ज़्यादा काम कोई करता है तो वो आँखें हैं, और इन आँखों को कंट्रोल किया जाए तो सामायिक करना आ जाएगी। जैसे आँख खोलकर कैसे जीना है आपको ये आता है, ऐसे ही आँख बंद करके क्या करना है यदि ये आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और धर्म की साधना इसी की साधना है कि आँख बंद करके क्या करना है, क्योंकि आँख खोलकर जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, आँख बंद करने के बाद जो है वो मैं हूँ। और इस मैं को जानने के लिए अभी हम मैं से बहुत दूर हैं, है ना? अरे बोलिए ना। नहीं, मैंने तो ऐसा सुना है कि मैं की लड़ाई होती है, लेकिन आपने मैं माना किसको है, शरीर को या आत्मा को? यदि आत्मा को मैं मानकर जानते हो और उस मैं को प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो आप भगवान बन जाओगे, और अहंकार वाले मैं के साथ में यदि मैं को मान रहे हो तो फिर उसका कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। तो सामायिक में आंख बंद करके बैठते हैं और बाकी समय आँख खोल के रहते हैं। आँख खोल कर जिंदगी तब अच्छी बनेगी जो आँख बंद करके ध्यान लगाएगा, और जो आँख बंद करके ध्यान नहीं कर सकता है वो आँख खोल कर भी अच्छे से नहीं जी सकता है। इसलिए आँख खोल कर जीने की तैयारी आँख बंद करके की जाती है, और उसके लिए चाहिए ज्ञान। कहाँ है? शास्त्रों में, प्रवचन में, ये तो जगाने के तरीके हैं, लेकिन ज्ञान तो मुझ में है, मेरे अंदर है। एक होता है तालाब और एक होता है कुआं। कुएं में पानी कहाँ से आता है? झिर से। कितना निकाल लो फिर आ जाएगा। और तालाब में पानी कहाँ से आता है? बाहर से, है ना? तो अभी हम क्या सोचते हैं कि ज्ञान बाहर से आ रहा है, लेकिन नहीं, ज्ञान आता अंदर से है। बाहर से तो याद दिलाया जाता है कि मेरे अंदर ये ज्ञान भी है, मैं ऐसा जान सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरी ताकत मुझे याद दिलाई जाती है, ये बाहर की वस्तुएं मुझे मेरी ताकत याद दिलाती हैं। लेकिन जो संसार है वो मेरी अपनी ताकत को भुला बैठा है। इसीलिए 24 घंटे में श्रावक को एक सामायिक जरूर करनी चाहिए। एक सामायिक कितनी देर की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी और दो घड़ी की एक सामायिक। कम से कम 48 मिनट तो करना ही चाहिए, आंख बंद करके बैठ के और इस दुनिया को छोड़ करके केवल अपने साथ जीना चाहिए, केवल अपनी खोज करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है, मैं यहाँ कब तक रहूँगा, इसके बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे मरना है, कैसे जीना है, इन सब बातों का ज्ञान सामायिक में बैठ कर के होता है। चिंतन मनन यदि हो गया तो समझना हम बहुत सारी चीज़ों को, वास्तविकता को जान जाएंगे, और जिसका चिंतन मनन नहीं हो पाया
वो अभी वास्तविकता से बहुत दूर है और जो भ्रम में पड़ा है जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है। एक छोटे बच्चे के जब खेलता है तो आपकी बात करती हूँ, जब आप छोटे थे तो छोटे छोटे पत्थर होते थे, सुंदर सुंदर पत्थर जो नदी के किनारे मिलते थे, वाइट कलर के, पिंक कलर के, बड़े सुंदर से पत्थर होते थे, है ना, और उसको लेते थे और खेलते थे। फिर वो बच्चे उनको इकट्ठा करते थे और ऐसे इकट्ठा करते थे कि कई बार रात में लेकर सो भी जाते थे, कोई उनसे छुड़ा नहीं सकता था, है ना। क्यों? अरे बोलिए ना, जान से ज्यादा प्यारे होते थे, कोई ले ना ले छुपा के रखते थे, हाथ में लेकर ही सोते थे, जहां जाते थे लेकर के जाते थे, है ना। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर अरे बोलिए ना, फिर पकड़ता है क्या उन पत्थरों को? क्या करता है? छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। अच्छा, फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो फिर वो हीरा मोती पकड़ने लगता है। कंकड़ पत्थर क्या है और हीरा मोती क्या है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? इसी धरती पे मिलते हैं, दोनों इसी धरती पे मिलते हैं। तो एक ने पत्थर पकड़े, एक ने हीरा पकड़ा, दोनों में कोई अंतर? अरे बोलिए ना, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब आपको पत्थर की कीमत पता थी तो आपने पत्थर पकड़ लिए, आपको थोड़ी सी रत्नों की कीमत पता हुई तो आपने रत्न पकड़ लिए। पकड़ी तो बाहर की चीज ना, पकड़ी तो इस दुनिया की चीज ना। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पत्थर हैं। जैसे एक माँ के दो बेटे होते हैं, ऐसे इस धरती के ये दो भाई हैं। एक थोड़ा कम क्वालिटी वाला है, एक थोड़ा ज्यादा क्वालिटी वाला है, और इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों पत्थर। ऐसे जब छोटे होते हैं तो गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, नकली वाले, वो छोटे छोटे खरीद के लाते हैं ना बच्चों के लिए, और बच्चों को खेलने में कितना मजा आता है। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई वास्तव में गुड्डा गुड़िया के साथ व्यवहार करता है। फिर वो छोटे छोटे बच्चे उनकी शादी करते हैं, फिर बारात आती है, याद है आपको? फिर आप वहाँ खाना बनाते थे, छोटे छोटे जब थे खाना बनाते थे, वो कच्ची पक्की पूड़ी बनाते थे, फिर सब मिलके बैठ के खाते थे, बारात आती थी, फिर एक मम्मी बन जाता था, एक पापा बन जाता था, याद आया बचपन, है ना। अच्छा, फिर बड़े हुए, फिर क्या किया? पहले नकली गुड्डा गुड़िया से खेलते थे, अब असली चाहिए, काम तो वही है, काम में कहाँ अंतर हुआ ये बताओ मुझे। वो बच्चा कम से कम नकली से मान जाता था, तुम तो नकली से भी नहीं मानते, तुम्हें तो असली वाला चाहिए, उसके बिना तुम्हारा मन नहीं लगता। यदि घर में ना हो तो फिर देखो कितनी टेंशन होती है ना। काम में कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। जब छोटे बच्चे थे और मोहल्ले में किसी का मकान बनता था तो रेत आके वहाँ डाली जाती थी, सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे उस रेत के ढेर पर, है ना। फिर क्या करते थे? मकान बनाते थे, उसमें बाग बगीचे बनाते थे, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा ये है, इसमें पढ़ूंगा। और जब खेल खत्म होता था तोड़ा ताड़ा और चले जाते थे। फिर बड़े हुए, अरे बोलिए ना, फिर क्या किया? मतलब जो काम बचपन में कर रहे थे वही काम बड़े होकर कर रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम समझते हो वो बच्चा है, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप भी बच्चे हैं। वो लड़ते थे, आप भी लड़ते हैं। वो कहते थे तू अपना यहां बना, मैं अपना यहां बनाऊंगा, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा है, ये तेरा है, अब क्या कर रहे हो? अरे बोलिए ना, अभी भी तेरा मेरा कर रहे हो। तो अभी भी, इसलिए कल मैंने बताया था, बाल बाल मरण,
और बाल मरण, अभी कौन से कहाँ बैठे, अभी तो बाल बाल में बैठे हैं, अभी बच्चे ही हैं। बाल का मतलब अज्ञानी, बालक का मतलब अज्ञानी। बचपन में जो काम कर रहे थे बड़े होकर भी वही काम कर रहे हो तो ज्ञानी हो गए क्या? नहीं, पहले थोड़े कम अच्छे तरीके से कर रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हो। पहले थोड़ा अस्थाई था, अब थोड़ा सा स्थाई है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो फिर आपने इस दुनिया में आके क्या किया? बड़े हुए आप, जो 8 साल में थे वही 80 साल में है। जो टेंशन मकान की कि उसने मेरा रेत का मकान तोड़ गया, वही टेंशन 80 साल में उसने मेरे मकान में कील ठोंक दी, उसने मेरे मकान में ट्रक ठोंक दिया, उसने मेरे मकान में गाड़ी ठोंक दी, उसने ये तोड़ दिया, उसने वो तोड़ दिया, अंतर कुछ हुआ? नहीं हुआ। अंतर कब पैदा होता है? अंतर पैदा होता है धर्म से। ये सब बाहर की चीजें हैं। जितना मोह करोगे उतना लड़ाई का कारण, जितना राग करोगे उतना लड़ाई का कारण, और जितना इनसे दूर होकर आंख बंद करके बैठ के एक सामायिक भी करोगे, वो आपकी एक सामायिक आपको मोक्ष पहुंचा देगी, आपको सुखी कर देगी। केवल 48 मिनट के लिए सारी दुनिया को छोड़कर केवल अपने में बैठ जाओ करो। कितनी देर के लिए? केवल 48 मिनट के लिए। आप इसका चमत्कार देख लेना। आपको जितना आपका खाना सुखी नहीं करता, आपके कपड़े सुखी नहीं करते, आपको दुनिया की कोई चीज सुखी नहीं करती, आपकी इस एक सामायिक आपको सुखी कर देगी। लेकिन सामायिक के नाम पर ये नहीं कि माता जी ने कहा सामायिक करना है तो नमो ध्यंता नमो सिद्धानम, दिमाग तो यहाँ वहाँ घूम रहा है और हाथ में माला चल रही है और नाम दे दिया कि सामायिक कर रहे हैं। नहीं, सामायिक का मतलब समता। सामायिक शब्द किसमें से बना है? समता, सम इक, अकेले होना, सम होना, किसमें? सामायिक में। समता, समता किसे कहते हैं? आप कहोगे वो हमारे यहाँ ना पड़ोस में एक बिटिया रहती है उसका नाम समता है। नहीं, उसको समता नहीं कहते हैं, समता में समता नहीं है। सम, सम यानी बराबर। जब आप तराजू में तोलते हैं, है ना, और यहाँ बांट रखा है और यहाँ सामान रखा है, सामान का पैसा पूरा कब तक नहीं दोगे? जब तक कांटा सम में नहीं आ जाएगा। और कांटा जैसे ही सम में आया, दोनों पलड़े बराबर हुए, बस वो पैसा पूरा ले लेगा, फिर वो कम नहीं करने वाला। भाई मैं सामान पूरा दे रहा हूँ तो सामान में पैसा भी पूरा चाहिए मुझे, ठीक है ना। समता, ना राग ना द्वेष, ना किसी से जुड़ना ना किसी से टूटना, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, मैं अकेला। सामायिक में बैठकर जो करना है ना वो आपको आता है, और जो आपको आता है उसे अंदर डालना है। अभी दिमाग में सेव तो है, अभी आत्मा में नहीं पहुंचा है। क्या आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप अच्छी सामायिक कर सको? है आपके पास में इतना ज्ञान? लोग पूछते माता जी क्या करें क्या करें कि अरे आप बहुत कुछ जानते हैं। हो सकता आप जितना जानते हो मैं नहीं जानती हूं, आप इतने ज्ञानी हैं। केवल तेरा और मेरे ही तो करना है, और तेरा तेरा हटा दो और जो मैं बचा हूं बस उसका ध्यान करना है बैठ के। एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूं। जैसे सामायिक में बैठो तो भगवान का चित्र अपने सामने ले आओ। अब भगवान से अपनी तुलना करो। भगवान, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा बराबर है। अच्छा, फिर क्या अंतर है? भगवान, मैं क्रोध करता हूं, आप क्रोध नहीं करते। भगवान, मैं मान करता हूँ, आप मान नहीं करते हैं। मैं मायाचारी करता हूँ, आप मायाचारी। ऐसे जो जो आपके अवगुण हैं एक एक सारी गिनती कर लो उनकी, और वो तुलनात्मक अध्ययन भगवान के साथ में कर लो,
और फिर उन अवगुणों को छोड़ने का प्रयास करो। फिर उन अवगुणों को किस तरह छोड़ा जाए उसका चिंतन मनन करो। बस यही सामायिक है। उसमें आप 12 भावना ले सकते हो, उसमें आप 16 कारण भावना ले सकते हो, उसमें आप वैराग्य भावना ले सकते हो, उसमें आप जो भी अपने धर्म की चीज़ें इन चीज़ों से दूर करती और हमें अच्छा बनाती हैं आप उसको चिंतन मनन में लेके सामायिक कर सकते हो। और इतना ज्ञान तो है भाई, किसी की मृत्यु देखी कि नहीं देखी? अरे बोलिए ना, कितनी आज तक कितनी मृत्यु देखी होंगी? कितनों के यहाँ बैठने चले गए, कितनों को कंधा दे दिया? अरे बोलिए ना, सैकड़ों को। भगवान आदिनाथ ने एक मृत्यु देखी थी, कितनी? केवल एक। और वो भी मृत्यु ऐसी कि सामान्य व्यक्ति समझ ना पाए। नीलांजना नृत्य कर रही है और नृत्य करते करते विलीन हो गई और तत्क्षण उसी के जैसी दूसरी नीलांजना उपस्थित हो गई। दूसरा जान नहीं पाया, मगर प्रभु के ज्ञान में आ गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। और यहाँ अखबार में सुबह सुबह चुस्की लेते चाय की, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इन्हें कुछ होता ही नहीं है। ये लगता है ये मर गया मैं थोड़ी मरूंगा, मुझे थोड़ी जाना, मैं तो सदा जीवित रहूंगा। शायद ऐसी कल्पना करके बैठे हैं ये। पेज नंबर 7, मैं तो अखबार ही नहीं पढ़ती। ना 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 ना, अखबार पूरा आर्थ ध्यान का कारण है। पूरी अशुभ ध्यान की सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं उसमें। अखबार से तो मैंने छुट्टी कर दी। मैंने कहा ना, जिससे मन में विचार ऐसे आए, शास्त्र है ना, पढ़ो शास्त्र। शास्त्र को पढ़ने के बाद जो अनुभूति और जो अनुभव होता है वो अखबार पढ़ने के बाद नहीं होता है। अखबार पढ़ने के बाद या तो टेंशन होती है, या फिर टेंशन हो ना हो तो विचार उल्टे सीधे, उसको वो गद्दी पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया, उसने उसको भगा दिया, उसने उसको उतार दिया, उसने उसके साथ ऐसा कर लिया, वहाँ ट्रक पलट गया, वहाँ ये हो गया। अरे अपनी कथा तो संभलती नहीं, हम दुनिया की कथा पढ़ें। लेकिन फिर भी इतना व्यसन हो गया है लोगों का अखबार के प्रति कि सुबह से शाम तक, सुबह उठेंगे तो चाय के साथ क्या चाहिए? अखबार चाहिए। फिर नाश्ता के क्या साथ क्या चाहिए? फिर अखबार चाहिए। फिर खाने के बाद फिर क्या चाहिए? फिर अखबार चाहिए, हैं? फिर रात को सोते सोते भी एक बार और देख लेते हैं। अरे जितना अखबार पढ़ते हो इतना शास्त्र पढ़ लो तो कल्याण हो जाए। एक अखबार एक दिन ना आए तो लोग बेचैन हो जाते हैं। और शास्त्र पढ़ने में लोगों का, माता जी इतना मोटा शास्त्र कैसे पढ़ेंगे, इतना मोटा शास्त्र, और ये 25 पेज का अखबार एक दिन में पढ़ लेते हो और शास्त्र तुम्हें मोटा लगता है। चश्मा लगा लगा के अखबार पढ़ते, आंखों से ना देखें, इतना बारीक बारीक छापते हैं कि नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो, लेकिन नहीं, चश्मा लगा लगा के पढ़ेंगे। अंदर दिखाई नहीं देगा तो बाहर जाके पढ़ेंगे, कम उजाला होगा तो एक और लाइट लगवाएंगे, पढ़ेंगे जरूर। और शास्त्र बड़े बड़े अक्षरों में छपवा दिए तो भी नहीं पढ़ेंगे। जहां से सुख आना है वो हमने छोड़ दिया, और जहां से दुख आना है वो सारे रास्ते हमने खोल दिए हैं। तो छेढ़ाला में चर्चा चल रही है कि दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खो। दौलत राम जी स्वयं से कहते हैं कि चेत जा, हे दौलत राम तू चेत जा, समय बहुत कम है। जैसे चुनाव होते हैं तो कितने दिन के लिए सीट मिलती है? 5 साल के लिए। और 5 वर्ष में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि कब सरकार गिर जाए, कई बार होता गिर जाती है ना। तो वो 5 साल, अब उस 5 साल में वो जितना काम कर लेगा
वो 5 साल उसके आने वाले समय को या तो सुनहरा बना देंगे या नमो सिद्धारम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जीवन के 50 साल मिले हैं और इन 50 सालों में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम पूरे 50 साल जियोगे या 80 साल जियोगे या 100 साल जियोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दीपक चौराहे पर रखा है, हवा चल रही है, दीपक जल रहा है, ये आश्चर्य है, बुझ गया ये कोई आश्चर्य नहीं है। हम जी रहे हैं इस शरीर में, ये मनुष्य शरीर में हम इतनी उम्र तक आ गए, ये आश्चर्य है, मृत्यु आ गई ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो जितना समय मिला है इसको सार्थक कर लो, एक एक क्षण को एक एक पल को। आप लोग शिकंजी बनाते हो ना, अरे बोलिए ना, शिकंजी बनाते कि नहीं बनाते? नींबू कैसे निचोड़ते? गिलास में पानी लिया, नींबू निचोड़ा, एक बार निचोड़ा, अभी और बचा, एक और बार, अभी और बचा, एक और बार, फिर और ताकत लगाते, फिर उसमें ऊपर रुएं से आ जाते हैं, फिर उसे तुम पानी में डुबोते हो, फिर निचोड़ते हो, है ना? हाँ मालूम है मुझे। यानी तुम नींबू का एक एक बूंद, एक एक रस उसका उपयोग करना जानते हो, मगर इस जीवन का एक एक क्षण उपयोग करना जानते हो या नहीं जानते हो? तुम्हें नींबू की कीमत तो पता है, मगर तुम्हें जीवन की कीमत नहीं पता है। बहुत सावधानी से जीवन जियो, ये जीवन तुम्हारा भविष्य निर्माण कर रहा है, तुम्हारे आगे के कई भवों तक वो संस्कार जाएंगे जो तुम इस जन्म में कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो वो भी जाएंगे और बुरा कर रहे हो वो भी जाएंगे। यदि तुम खुद से जुड़कर जी रहे हो, सामायिक करके ध्यान पूर्वक जी रहे हो, तो वो जीवन आपका आने वाला भी अच्छा बना देगा। और यदि व्यर्थ में जिंदगी को डाल रहे हो, जब तुम्हारा बच्चा खेलता है तो क्या लगता है, क्या फालतू समय बेकार कर रहा है, इतनी देर में पढ़ ले ना, कुछ पढ़ ले, समय फालतू कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो, बच्चे को तो समझाते हो, तुम क्या कर रहे हो? जब दो बच्चे लड़ते हैं तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है, कैसे पागल है, एक पेन के लिए लड़ रहे हैं, एक पेंसिल के लिए लड़ रहे हैं, अरे और ला देंगे, इसके लिए क्यों लड़ रहे हो? लेकिन जब तुम बड़े होकर लड़ते हो तब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि हम ये क्यों लड़ रहे हैं, ये समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये समय बेकार कर रहे हैं। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जो घड़ियां हम हंस के निकाल सकते हैं, जो घड़ियां हम खिला के खा के और खुश होके निकाल सकते हैं, उन घड़ियों में हम लड़ें क्यों? एक श्रेणिक चरित्र में उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक को राज्य देना था, तो बाकी जो 500 पुत्र थे उनके भी वो चल रहे थे कि भाई इसको ही क्यों दे रहे, हम भी काबिल हैं, चलो परीक्षा करते हैं। परीक्षा करी तो क्या किया कि सभी पुत्रों को भोजन के लिए बिठा दिया और वहाँ श्रेणिक को भी बिठा दिया, तो वहाँ पर ये कह दिया कि कोई भी भोजन करते समय कोहनी नहीं मोड़ेगा, क्या नहीं करेगा, कोहनी नहीं मोड़ेगा, और भोजन सबको करना है, भोजन कैसे करें? तो राजा श्रेणिक ने उठाया और एक ग्रास सामने वाले भाई को खिला दिया, अरे कोहनी नहीं मोड़ी, और इसको खिला दिया, तो उसने उसको खिलाया, उसने उसको खिलाया, लो सबका पेट भर गया और काम भी हो गया। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कर भला तो हो भला, भला करने की सोचो, आप सबके लिए सोचो, आप अपने लिए मत सोचो। और जो केवल अपने लिए सोचता है उसको बहुत थोड़ा मिलता है, और जो सबके लिए सोचता है उसे बहुत ज्यादा मिलता है। सबके लिए सोचो, समाज के एक छोटे छोटे बच्चों के लिए सोचो,
महिलाओं के लिए सोचो, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के लिए, और अकेले महिलाएं बच्ची नहीं, एक चींटी के लिए, एक मच्छर के लिए, सबके लिए सोचो कि किसी को कष्ट ना हो मेरे कारण। और जो ऐसा जीवन जी लेता है वो भगवान बन जाता है, और भगवान तो बाद में बनेगा, यही जो ऐसा जीवन जीता है लोग उसे देवता कहते हैं, इसी मनुष्य शरीर में रहकर वो देवता बन जाता है। एक नारकी, नारकी बनकर जीवन शुरू करता है और नारकी बन के ही मर जाता है। एक देवता, देवता बन के जीवन शुरू करता है, देवता बन के मर जाता है। एक पशु, पशु बन के जीवन शुरू करता है और पशु बनकर ही मर जाता है। मगर एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, वो मनुष्य बनकर जन्म लेता है और वो चाहे तो भगवान बनकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। केवल एक मनुष्य में ही ऐसी संभावना है, जो अपनी संभावनाओं को उभार लेता है, उस पर अमल करके आगे बढ़ जाता है, वो वास्तव में भगवान बन जाता है। और जो केवल, जैसे एक मनुष्य को कहते हैं ना, अरे भाई ये तो राक्षस है, राक्षस, इसका मतलब मनुष्य के अंदर राक्षस भी है। अरे भाई ये तो देवता है, देवता, इसका मतलब मनुष्य के अंदर देवता है। और ज्यादा कलेश करे, अरे नारकी है, नारकी है ना, अरे ये तो पशु है, पशु कहते ना। यानी मनुष्य के अंदर सारी संभावनाएं हैं, आप अपनी कौन सी संभावना को निकाल रहे हैं बाहर, ये आपकी अपना पुरुषार्थ है, ये आपकी अपनी सोच है। और ये बात किसी एक की नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, है सबके अंदर, कमी सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि किसी, हम केवल उंगली एक को ही दिखाते रहे, वो बहुत खराब है, वो बहुत खराब है, उंगली हम उसको दिखा रहे हैं तो ये तीन उंगली हमारे तरफ है, ये कह रही तीन कमियां तेरे तरफ है, एक उसमें है, तो दूसरों में कमियां मत देखना, अपनी कमी निकालो और उसके लिए करो सामायिक, दूसरों को मत सुधारो। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। जो खुद को सुधार लेता है वो सबके लिए आदर्श बन जाता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू सुधर जा। तो काल व्रथा मत खो, काल उसका क्या, काल का मतलब मृत्यु भी होती है, काल का मतलब समय भी होता है। मृत्यु और समय दोनों को काल शब्द से संबोधित किया है, ऐसा केवल भारत में ही है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जिसे मृत्यु और काल दोनों को एक शब्द से संबोधित किया जाए। तो हर क्षण हर पल बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। सोना चला जाएगा दोबारा मिल जाएगा, धन चला जाएगा दोबारा मिल जाएगा, मकान चला जाएगा दोबारा मिल जाएगा, लेकिन समय चला गया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये हर क्षण हम बीज डाल रहे हैं, और जो बीज डाल रहे हैं इसके फल भी हमें ही खाने पड़ेंगे, इसलिए हर क्षण जो बीज डाल रहे हैं बड़ी सावधानी पूर्वक डालें, ताकि ये कड़वे फल हमें ना खाने पड़े। वरना बाद में कहते हे भगवान मैंने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं कि हमारे साथ में ऐसा हो, हमारे साथ में क्यों अन्याय होता है, हमारे साथ ही क्यों गलत होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है। ऐसे साहूकार बन जाते हैं कि जैसे इनने कुछ किया ही ना हो, बड़े सीधे हो ये, और करते समय ये बड़े होशियार बन जाते हैं। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, चलो बड़ा अच्छा लगा। फिर आज मेरा दोपहर 2 बजे यहाँ से बिहार है। अब आपको बात समझ में आ गई, अब क्या समझाना है? आज देखो कितना कोहरा है, कितनी धुंध है, फिर भी चले आए भागे भागे, कोई मोटरसाइकिल पे आया होगा, कोई गाड़ी में आया होगा, ठंड भी लगी होगी, लेकिन जाना है। इसका मतलब आपकी रुचि धर्म में है, आपके मन में धर्म की भावना है, आत्म कल्याण की भावना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना है। प्रभु आपकी भावना को ऐसे ही बनाए रखे, मैं ऐसी भावना भाती हूँ।
है ना, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और साधुओं में बिहार का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। अब शब्द बोलिए आप, सामायिक। अच्छा, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। और चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में पारसनाथ का, करगुआ जी के पारसनाथ का। और शब्द झांसी। अच्छा, भगवान पारसनाथ की जन्म नगरी काशी का, ज्योतिष में राशि का, और धर्मात्माओं में झांसी का। दान। अच्छा, नहीं होने में परेशान का, शरीर में कान का, और देने में दान का। पड़ोसी का। अच्छा, रात्रि में शशि का, युद्ध में असी का, और तुम्हारे पड़ोसी का। धर्म, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। अच्छा, उजाले में झाई का, घर में माई का, और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का। करगुआ कर्म। अच्छा, दूर होने में भर्म का, स्वभाव में नर्म का, और करने में अच्छे कर्म का। पारस देवा का, और करने में सबकी सेवा का। नहीं होने में मद का, होने में गदगद का, और करगुआ जी में अष्टापद का। हेलो, सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और आने वालों में मंडी दीप का। दिल्ली। बासी, बासी से आए हैं? बासी से कोई आया है क्या? राजा में दासी का, नहीं होने में उदासी का, और आने वालों में बासी का। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में कौन सा खेड़ा? नया खेड़ा का। चलिए, अब अपन यही समाप्त करते हैं। माता जी, प्रतिमा विराजमान करने का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की। ये आपने जैन समाज को जहाजपुर वाला जो मंदिर बनाया, तो एक आपने एक आइडियल लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तीर्थ कैसा होना चाहिए, वहाँ ठहरने की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो आपको तो मैनेजमेंट गुरु मानना चाहिए। आप गुरु तो हैं ही। पूरे हिंदुस्तान में देखने के बाद ये महसूस हुआ कि सबसे पहला दिगंबर जैन तीर्थों में सबसे अच्छा वेल मैनेज्ड कोई अगर तीर्थ मिला तो वो माता जी आपके आशीर्वाद से बना हुआ जहाजपुर का मंदिर है। इसके बाद तो अब सभी लोग अच्छे से अच्छे ठहरने की जगह और व्यवस्थाएं दे रहे हैं, पर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं और मैनेजमेंट आपने किया था। आपके आशीर्वाद से अगर इस क्षेत्र की भी कायाकल्प हो जाए, यहाँ पे भी 10-20 कमरे ऐसे बन जाएं जिनमें ठहरने वाले लोग यहीं से बुंदेलखंड की यात्रा कर सकें,
तो मेरी समझ में उससे बड़ी चीज़ झांसी में कोई नहीं हो सकती। आपका यहाँ अगर हम लोगों को सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला, तो मैं निश्चित ही मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड की सारी यात्रा लोग झांसी में रहकर ही करने शुरू कर देंगे। तो मैं पुनः आपके चरणों में बारंबार अपना नमन करते हुए आपको आश्वासन देता हूँ कि जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा वो सहयोग में इसमें अवश्य करूँगा। हम हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सामने हमारे बच्चों का पहला जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा पुण्य है जो हम इस घड़ी में यहाँ पर आए। बाकी भगवान की प्रतिमा बहुत ही अद्भुत चमत्कारी है और यहाँ के दूसरी सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी यहाँ पे अवश्य पधारिए। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।